इस वक्त हम इसी स्पॉट पे हैं जहाँ पे फायरिंग चल रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त गोलियों की आवाज़, और आप देख सकते हैं गोलियों की आवाज़ चल रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये पूरा एरिया जंगल का एरिया है जहाँ पे 3 से 4 आतंकवादी छुपे हुए हैं। कल से ये ऑपरेशन चल रहा है इस एरिया में, सुरनकोट के इस सिंद्रा टॉप एरिया में, और ये आप देख सकते हैं अभी भी फायरिंग की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। हमें पीछे ही रखा गया है, लेकिन ये पूरा जंगली इलाका जहाँ पे इस वक्त दोनों तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, आर्मी के बीच। और ये कल से जो ऑपरेशन है, कल शाम तक ये ऑपरेशन चला था जिसमें 8:30 तक फायरिंग होती रही दोनों तरफ से, लेकिन फिर उसके बाद फायरिंग का सिलसिला बंद हुआ। लेकिन आज सुबह से, और आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो ऑपरेशन है वो अब अपने हम ये ऐसे चरम सीमा पे है, और जो 3 से 4 आतंकवादियों की बात की जा रही है कि वो आतंक छुपे हुए हैं, उनको खदेड़ने के लिए अब ऑपरेशन चल रहा है। और बहुत ही, और आप देख सकते हैं इस वक्त गोलियों की ज़बरदस्त आवाज़ें यहाँ पे आ रही हैं, और ये जो आतंकवादी हैं जिस तरह मैंने कहा कि ये यहाँ पे छुपे हुए थे इस जंगली इलाके में, और उसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया जब इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी है। तो इस वक्त जो फायरिंग है आप देख सकते हैं, फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, और हमें भी बिल्कुल पीछे रखा गया है, और आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जो ये ऑपरेशन है इसको अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए अब ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये जो कैमरामैन हमारे दिखाएंगे इस वक्त जो पूरा एरिया है उसको दिखाने की कोशिश की करेंगे वो, और जहां जहां पे आपको नज़र पड़ेगी वहां पे आपको ये एरिया जो है जंगली इलाका दिखेगा, और ये बहुत ही टेरिन इलाका है, बहुत ही खौफ वाला इलाका जिसको हम कहेंगे, जहाँ पे अगर इस एरिया की बात करें तो ये 90 से ही इन्फिल्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा एक रहा था, बहुत एक हॉट बेल्ट रहा था, लेकिन अब फिर आतंकवादियों की तरफ से इस ऑपरेशन को, इस एरिया को फिर यूज़ किया जा रहा है ऑपरेशन के लिए। और इसलिए आप देख सकते हैं, ये देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पे यहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं, और गोलियों की आवाज़ों के बीच हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारे जो आवाज़ें हैं वो अब बढ़नी शुरू हो गई है, और ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है वो इस वक्त पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, और जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे भी ज़बरदस्त जो हर तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। और मेरे कैमरामैन भी दिखाएंगे आपको, जो गोलियों की आवाज़ इस एरिया में है वो बढ़ रही है, और पूरा 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 एरिया जो है उसको कॉर्डन किया गया है, उसको बिल्कुल हम ये कह सकते हैं उसको सील कर दिया गया है, और ऑपरेशन इस टाइम भी चल रहा है। ये जो पुंछ में, अगर हम राजौरी पुंछ की एरिया की बात करें तो आपको याद ही होगी जब डांगरी में जब अटैक हुआ था तो उसके फौरन बाद जो आतंकवादी हैं उन्होंने यहाँ पे 5 हमारे जवानों को भी शहीद किया था मई के महीने में, और उसके बाद से लगातार आतंकवादियों का जो यहाँ पे उसके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। और ऑपरेशन को अब जो आतंकवादी जो यहाँ पे बचे हैं, चाहे यहाँ पूंछ में हो या राजौरी में हो, उनको ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन चल रहा है। और आप अगर मेरे कैमरामैन भी दिखाएंगे तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहाँ यहाँ पे हर जगह पे हैं उनको छीना गया। तो यहाँ पे जो इस वक्त फायरिंग है वो चल रही है, और ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ख़त्म होगा, और जो जितने भी आतंकवादी यहाँ पे हैं उनको मार गिराया जाएगा।